वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास आठवीं के लेसन सिक्स एविसम असम लेकर आए हैं। एविसम असम मतलब होता है बहुत अच्छा असम। इसको हम पूरा हिंदी में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती है। एविसम इज स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। असम राज्य भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालय फुटहिल। यह पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के नीचे जस्ट स्थित है। इट सराउंडेड बाई द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, विच टुगेदर विथ असम आर नोन एज द सिस्टर सेवन। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय राज्य से घिरा है, जिसे असम राज्य को सात बहनों के नाम से भी जाना जाता है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। दिसपुर असम की राजधानी है। असम इज ए लैंड फुल ऑफ नेचर ब्यूटी। असम प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा है। इट हैज ब्लू हिल डेंस फॉरेस्ट विथ डाइवर्स फ्लोरा एंड फन्ना, बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैली। उसके पास नीली पहाड़ियाँ, विभिन्न पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के लिए विशेष क्षेत्र के साथ घना जंगल, बड़ी नदी और उपजाऊ घाटियाँ हैं। असम इज वर्ल्ड लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। असम विश्व में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य भारत में है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू असम। महान ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य से होकर बहती है। अगला स्टैंड देखते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। कृषि मुख्य व्यवसाय यहाँ का है। राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर कैन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चर फूड ऑफ द स्टेट। चावल, फल, जूट, गन्ना और चाय मुख्य कृषि उत्पादक राज्य हैं। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी। असम राज्य लगभग पूरे देश का आधा भाग उत्पादन करता है। द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचर रिसोर्सेज सच एज आयर, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भी धनी है, जैसा कि तेल, गैस, कोयला और चूना पत्थर। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोटरी एंड टेराकोटा वर्क, बास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बम्बू क्राफ्ट, सिल्क एंड कॉटन वेबिंग एंड वुड क्राफ्ट आर सम मेजर सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ असम। ट्रेडिशनल मतलब है परंपरागत कार्ड शिल्प। परंपरागत शिल्प जैसे कि मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा कार्य
पीतल पीतल का शिल्प, आभूषण बनाना, बांस की शिल्प, रेशम और कपास की बुनाई करना और लकड़ी का शिल्प मुख्य स्वयं रोजगार है असम के लोगों के लिए। आप सेकंड चलते हैं। असम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क। असम प्रसिद्ध असम इज आल्सो फेमस फॉर ट्रेडिशन इट्स नेशनल पार्क। असम राष्ट्रीय पार्कों के लिए प्रसिद्ध है। ए नेशनल पार्क इज ए लार्ज एरिया फॉरेस्ट लैंड। जंगल का एक बड़ा क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क है। द गवर्नमेंट लुक आफ्टर दिस पार्क। सरकार जो है इन पार्कों का देख रेख करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा पार्क पशु पक्षियों के लिए विचरण के लिए प्रसिद्ध है। रिनोसेरॉस, एलिफेंट्स, लियोपार्ड एंड इंडियन बाइसन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। गेंडा, हाथी, तेंदुआ और भारतीय जंगली भैंसा और जो है अन्य जंगली जानवर काजीरंगा में आप देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप। आप एक खुली जीप में जा सकते हैं, ए कार, ए मिनी बस, इनटू द फॉरेस्ट टू सी दिस विल्ड एनिमल। इन जंगली जानवरों को देखने के लिए खुली जीप, कार, मिनी बस से आप जंगल में जा सकते हैं। इफ़ यू लाइक, यदि आप पसंद करें, यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट बैक्स एज वेल। यदि आपकी इच्छा हो तो आप हाथी की पीठ पर यात्रा कर सकते हैं। द पीपुल ऑफ असम स्पीक असामिया और असम। असम के लोग असामिया या असम भाषा बोलते हैं। असम इज आल्सो लैंड ऑफ फेस्टिवल। असम जो है त्योहारों की भूमि भी है। बिहू इज फेमस असम फेस्टिवल। बिहू असम का जो है पवित्र त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यह अप्रैल महीने में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजियंस टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन। सभी धर्म के लोग इस उत्सव में हिस्सा भाग लेते हैं। द सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर द होल मंथ। यह उत्सव पूरे महीने मनाया जाता है। यंग मैन एंड वोमैन वियर गोल्डन कलर सिल्क ड्रेसेस एंड जो नवयुवक और युवतियाँ महिलाएं होती हैं सिल्क रेशम के गोल्डन कलर के कपड़े पहनते हैं एंड डू ए स्पेशल डांस और एक प्रसिद्ध नृत्य करते हैं कॉल्ड बिहू डांस जिसको बिहू नृत्य कहा जाता है। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। बिहू त्यौहार के उपलक्ष्य में नौका दौड़ भी होता है। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दिस रेस एंड ए लॉट ऑफ पीपुल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक। बहुत से जो टीमें होती हैं इसमें हिस्सा लेती हैं रेस में और ए लॉट ऑफ पीपुल बहुत से लोग वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक। बहुत से लोग इसको किनारे से देखते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए जिससे कि आपको अगला चैप्टर मिले। थैंक यू।